Abrar Fashion Fabrics, Multi-branded Fashionable Textile Showroom, Raymond's, Reed & Taylor, CRM और Dick Jam जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन, सूटिंग्स, शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी, सदरी, कुर्ता पजामा और पगड़ी, बेहतरीन सिलवाई के खुशामदीद नासरीन, 18 तेलंगाना न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। कासगंज में पुलिस की हिरासत में 22 साल के अल्ताफ की मौत पर सियासत उबाल पर है। कासगंज पुलिस स्टेशन में मुबैना तौर पर खुदकशी से मरने वाले इस शख्स की मौत पर उत्तर प्रदेश हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबरा असदुद्दीन अवैसी ने जुमेरात को इल्ज़ाम लगाया है कि यह खुदकशी नहीं बल्कि कत्ल है और पुलिस अहलकारों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब अल्ताफ के वालिद का कहना है कि पुलिस ने इन्हें अल्ताफ को फांसी लगाकर मारा है। कासगंज के SP रोहन प्रमोद ने बताया है कि अल्ताफ ने अपनी जैकेट की डोरी का इस्तेमाल करते हुए टॉयलेट के नल से फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। पेश है 18 तेलंगाना न्यूज से ये खसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा व अहम तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना ना भूले। क्या उनके सर में चोट लगी हुई थी और पैरों में भी लगी हुई थी? मैंने सर में तो खुद देखा था, मैंने पुलिस वालों से भी कहा था इतना गड्ढा क्यों है मेरे बच्चे के सर में, इतना गड्ढा नहीं होना चाहिए। उतना गड्ढा दिया था, सूज रहा था, ये सूज रहा था, इधर सूज रहा था, बीच में गड्ढा था और पैरों में भी क्या, और मांस भी उसका थोड़ा छुट रहा था। पैरों में भी कुछ बताया गया? पैर में चोट थी, उसकी सूजन थी, सूज रहे थे पैर, सूज रहे थे, जो मारा पैरों में तो सूज रहे, नीले पड़ रहे। देखिए एक बात हमको बताइए कि क्या कोई 4 फीट की नल की टूटी से कोई अपने आप को जो उसके कपड़े में जो वो था वो निकाल कर खुदकुशी कर सकता है क्या? कैसे खुदकुशी करेगा, कौन बिलीव करेगा उसको? भाई 4 फीट पर नल की टूटी है और उसके हुड में क्या धागा निकाल कर खुदकुशी कोई कर सकता है क्या? आप उसको मार सकते हैं, उससे किसी का गला घोट सकते हैं और पुलिस कस्टडी में मर जाता है तो किस बात के लिए सस्पेंड किया गया? उनको तो अरेस्ट होना चाहिए। उसको बस लड़के का मर्डर हुआ है पुलिस स्टेशन में, वो उसकी इज्जत इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि गरीब है और मुसलमान है। पुलिस स्टेशन में किसी का आप बोलते हैं कि टॉयलेट में 5 फीट के नल की टूटी को लगाकर खुदकुशी कर सकता है कोई? क्या हिमाकत कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। बल्कि कासगंज की पुलिस को तो किताब लिखनी चाहिए कि कैसे पुलिस स्टेशन में किसको मारा जा सकता है और खुदकुशी कह दो उसको। भाई ये गुप्ता साहब को गोरखपुर की होटल में पुलिस ने मारा तो मुख्यमंत्री उनके पीड़ित परिवार के पास पहुंच गए, उनको 50 लाख रुपए का चेक दे दिया, अखिलेश पहुंच गए 21 लाख का चेक दे दिया। अभी अल्ताफ के पास कोई क्यों नहीं जाएगा, पूछेगा नहीं अल्ताफ को? क्या इंसान की जान की कीमत क्या मजहब की बुनियाद पर होगी? गरीब है तो गरीब है, पुलिस की कस्टडी में मारा गया तो उनको अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। सस्पेंड करेंगे बाद में, अब बहाल कर देंगे उनको महीने भर के बाद। एक बाप ने अपने बेटे को खो दिया और ये तो आपने बाप को डराकर स्टेटमेंट ले लिया उससे। नहीं, उनके पिता का कहना अरे है पिता कि अरे भाई संतुष्ट है पुलिस, क्या क्या संतुष्ट है? अरे आप भाई आप कहना है कि डॉक्टर क्या कौन सा क्या डर हुए, कौन डॉक्टर, कौन डॉक्टर झूठ कह रहे हैं? क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इनकी आती नहीं है? हमको थोड़ा तजुर्बा है, PMR की रिपोर्ट के फौरन आ जाएगी, PMR की रिपोर्ट आएगी और पुलिस कस्टडी में। देखिए एक बात बताइए, ऊपर वाले ने हम सबको दिमाग दिया है ना, कोई 4.5 फीट के नल की टूटी से लगाकर खुदकुशी कर सकता है कोई? वो बेचारा बाप तो अपने बेटे को खो दिया, उसको डराया उन्होंने, डराकर उसके स्टेटमेंट ले लिया उसका। तो अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम ये चाहते हैं कि जिस तरह गोरखपुर में गुप्ता साहब को मारा गया और उसके बाद फौरन मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, पुलिस ऑफिसर को ना से सस्पेंड किया, वो अरेस्ट हुए, भाई आप इस पर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? क्या इंक्वायरी करेगी पुलिस, क्या SP इंक्वायरी करेगा? SP तो क्लीन चिट दे चुका है उनको कि वो तो खुदकुशी कर लिया, तो क्या इंक्वायरी करेंगे आप? और किसको बेवकूफ बना रहे हैं, ये कवर अप कर रहे हैं, उसका मर्डर हुआ उस लड़के का अल्ताफ का पुलिस स्टेशन में। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है, मैंने खुद अपने घर में से। कल 8 बजे किस मामले में पुलिस आए थे? पुलिस वाले मेरी लड़की के ये कह रहे थे कि ये शक है हमें,
पुलिस अपने अपने बच्चे को हमारे दिए तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद दिया, खुद अपने हाथों से। फिर क्या हुआ? बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग, मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है, मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। आज क्या होता है? 24 घंटे बीच जाने के बाद, 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ रही है मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताफ। कितनी उम्र है? 21 साल। किस जगह लगाई है फांसी? किस जगह? नदरी गेट चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना, और ये बड़े थाने में आया है बच्चा, बड़े थाने में ये घटना हुई है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and playway method, launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat, no heavy bags, locker for every student, personality development through life skills, physical fitness and sports, transport facility available. Hyderabad International School, branches at Mogalpura, Khilwat and Chadarghat.